लिटमस की कहानी। साथियों, जब भी अम्लक्षार सूचकों का जिक्र आता है तो लिटमस का नाम जरूर हमारे जहन में आता है। क्या आप जानते हैं कि लिटमस की खोज कितनी पुरानी है? आइए इस गीत के माध्यम से सुनें लिटमस की कहानी। लिटमस की कहानी तुम्हें है सुनानी, बात नहीं है कल परसों की, बात नहीं है कल परसों की, परसों पुरानी। लिटमस की कहानी, लिटमस की कहानी। स्पेन के एल्केमिस्ट अर्नोल्ड्स डी विला नोवा से तो पहचान है इसकी पुरानी, 1300 ईस्वी में हुई पहचान, अब तुम सबको है बतानी। लिटमस की कहानी, लिटमस की कहानी। सबसे पहले नोवा ने सबसे पहले जिसका इस्तेमाल किया, 16वीं सदी में जाकर नीदरलैंड्स से उसको प्राप्त किया। कहां से किया, कैसे किया, कहां से किया, कैसे किया, ये भी है बतानी। लिटमस की कहानी, लिटमस की कहानी। नीदरलैंड्स की वादियों में छुपा था कहीं लाइकेन, ऐसा पौधा जिसमें हुआ कवक शैवाल का लेन देन। लिटमस को जब पाया उसने, सत निकाला कवक रोशेला का उससे, बैंगनी रंग हुआ आसुत जल में उससे, बदला रंग गिरगिट सा अम्लीय पदार्थ में उसने, बैंगनी रंग अब नहीं रहा रंगा लाल के रंग में, रंग बदलते लिटमस से, रंग बदलते लिटमस से, तब सभी रह गए दंग। बात अजब तब और हुई जब मिला क्षार के संग, लाल रहा ना बैंगनी रंगा नील के रंग, लिटमस की कहानी। खोज भाई भाई खोज हुई, खोज हुई भाई खोज हुई, एक गजब की बात खुली, अम्लक्षार पहचान के लिए एक अनोखी जीत हुई। इसी जीत की ये
कहानी लिटमस की कहानी लिटमस की कहानी लिटमस की कहानी लिटमस की कहानी। साथियों, इस गीत के माध्यम से आप ये तो जान ही चुके होंगे कि लिटमस की खोज कैसे हुई। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए आवश्यक है पैनी नजर, यानी निरीक्षण व अवलोकन। आप भी अपने चारों ओर देखें और प्रकृति का अवलोकन कर इसमें छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश करें। क्या पता आप भी कुछ नया खोज निकालें। लिटमस की कहानी, अभी आप सुन रहे थे ये गीत। विषय संयोजन, वाचन एवं आलेख डॉक्टर रुचि वर्मा, संगीत हरभजन सिंह, गायन स्वर अनुजा विसारिया, विनीत और बच्चे, ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया गया।